नमस्कार, जय हिंद मैथिली न्यूज में हम शुभ नारायण अहाँ सबके स्वागत करै छी। हम आयल छी एकटा विशेष कार्यक्रम के खबर लऽ कऽ, जे पिछला 5 नवम्बर के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मैथिल समन्वय समिति द्वारा आयोजित छल। एहि कार्यक्रम में विशेष किछु लोक के मुँहे हम ई सुनबा में आयल हमरा, जे ई कॉरपोरेट जगत के खेल अइ। ओ जी, कॉरपोरेट जगत ने एहि सब काज में आगू आयत कि हमरा अहाँ ई काज सब संभव होयत? आब तो युगे ओकरे आबि गेलै यऽ। आ छथि ओ एहि कार्यक्रम के जे आयोजक छथि, संदीप फाउंडेशन के जे संदीप झा जी छथि, वएह मैथिल समन्वय समिति के संभवतः सेहो वएह चेयरमैन छथि। तऽ हुनका सबके तऽ आगू आबे पड़तनि। अपन सभ्यता और संस्कृति के बचबै के लेल मैथिल हर शहर में छोट छोट संस्था अपन सभ्यता और संस्कृति बचाबै के लेल खोल गेला। इवन मुंबई में सेहो, मुंबई और दिल्ली में सेहो बहुत तरह के मैथिल संस्था है, जे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने से करते रहे छे, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन के कमी छे। यही वजह से हम सब पिछला साल बिहार भवन न्यू बॉम्बे में बैठल छलहुँ, धीरज भाई सेहो छलथि, 10-12 मैथिल बैठल छलहुँ, और हम सब निर्णय लेलहुँ क्या एकटा एहन संस्था बनायल जाए जे हर मैथिल संस्था के बीच में समन्वय स्थापित करय, हर मैथिल के प्रोटेक्शन दिया। और हम वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजकुमार झा जी के प्रपोजल पर मैथिल समन्वय समिति के निर्माण भेल वर्ष 2016 में। बहुत नीक पहल छनि। आइ मे बहुत सारा नेता सब, बहुत सारा समाजसेवी सब इकट्ठा भेल छलथि। बम्बई से टीम आयल छल, तऽ जाहिमे केंद्रीय मंत्री सांसद श्री प्रभात झा जी रहथि, बिहारसँ मंत्री रहथि नंद किशोर यादव जी, क्षमा करब, नंद किशोर यादव जी के मंचसँ झा कहि कऽ एंकर संबोधित कऽ देलखिन। ओहिपर किछु चर्चो भेल, लेकिन नंद किशोर यादव जी जखन मंचपर बाजला तऽ ओकरा बड़ा पॉजिटिव लेला। आ ओ हालाँकि कहलखिन जे कुछ तो गड़बड़ है, मेरे नाम के पीछे झा लगा दिया गया। खैर, एहन अक्सर होइ छै एंकरसँ, किया तऽ ओतऽ खाली जहन पहिले कलमा झाझा एक्सप्रेस रहै, झा 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 करैत करैत प्रभात झाके बाद जखन नंद किशोर यादव जी के बजायल गेलनि, तऽ हुनको नाम मे नंद किशोर झा कहऽ के गलती कऽ लेलकै। ई मिस्टेक होइ छै एंकरसँ, ककरोसँ होइ छै। यहाँ जब आया तो मुझे दिखाई पड़ा, आपने याद किया होगा, जब मेरा स्वागत हो रहा था तो मेरा नाम कहा गया नंद किशोर झा, लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है। तऽ ओहिठाम जे नेताजी सब बजला, बड़ा महत्वपूर्ण लागल। ओहि मंचसँ नहि केवल वरवधू परिचय सम्मेलन भेल, सङ्ग सङ्ग अयोध्यासँ जे सीताके भूमि तकके जे सड़क मार्गके जे घोषणा भेल मुख्य ओ मंत्री जी नंद किशोर यादव जी के मुखसँ, बड़ा इम्पोर्टेंट लागल। प्रभात झा जी के सीता जन्मभूमिके बारेमे जे आगामी योजना सब, भव्य मंदिर सब बनेबाक योजना छलनि, सुनू हुनके सभक मुँहसँ हम की विशेष विषयमे कहब। संस्कृति के सबसँ पैघ संवाहक के नाम छै मैथिल। अपना कतौ रहैए संस्कृति के नहि मरऽ दै छै, संस्कृति के अजर अमर रखै छै। तैं आब अहाँ सब बाहर रहै छी तऽ मुड़नो करै छियै, उपनयनो करै छियै, तऽ संदीप जी के मैथिल समन्वय समिति कहलकनि कि जखन मुड़न करै छी, उपनयन करै छी, तऽ ब्याह के अन्न करै छी। और तैं शुरू भऽ गेल वर वधू परिचय सम्मेलन। श्री मनमोहन लाल झा, हमर गाम भेल वीरगंज लक्ष्मणवा, जे रसौलसँ 6 किलोमीटर अंदर नेपाल में अछि, और हमर गोत्र भेल वत्स, मूल भेल करमहे अनलपुर जे दरभंगा में छै, और हमर एजुकेशन बीटेक इंजीनियर। हम सेंचुरी लिंक टेक्नोलॉजीज नोएडा में काज कर रहल छी, जे अमेरिका के सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। हमर नाम संतोष कुमार चौधरी भेल, गोत्र गर्ग अछि, मूल भसे देशाम। हम सी ए और कॉस्ट अकाउंटेंट के फाइनल में छी, और वर्तमान में हम आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी जे कौशाम्बी में अछि, ओहि मे फाइनेंस इंचार्ज से कार्यरत छी। हमर नाम चंदन झा है, हमर पिताजी के नाम से कार्यमन झा, हम MBA केने छी मिड यूनिवर्सिटी से,
हमार गोत्र भे काश्यप, हमार मूल भे मरे डीहा और हम अखन वर्तमान में डीएलएफ लिमिटेड में काम कर रहा जी एज एन मैनेजर मर्चेंडाइजिंग एंड प्लानिंग में। हमार नाम रुपेश कुमार राय भेल, हमार घर हमार पिताजी के नाम भेल अमरनाथ राय, हमार गोत्र भेल सावर्ण, मूल भेल खोजती, घर भेल सहरसा जिला ग्राम बरपा। हम एमपीए फाइनेंस से कैका असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत छी, एक लिमिटेड कंपनी में जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है इंदिरापुरम गाजियाबाद। मायसेल्फ देव ऋषि मिश्रा, सबको सादर प्रणाम मेरी तरफ से। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड अप इन दिल्ली एंड आई हैव बीन वर्किंग इन अ शिपिंग कंपनी एज अ नेविगेटिंग ऑफिसर एंड माई फैमिली ओरिजिनली बिलोंग्स फ्रॉम बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज सोनीपुर। My father has been working with High Commission of Canada for past 28 years. I have a brother, small brother, he's working as an Android software developer in Canada. We are a member of four living in Delhi in our own house and we are seeking for a good alliance. Thank you so much. Hamar naam Rajiv Jha bhel. Hamar babu ji ke naam Sri Krishna Govind Jha. Hamar gaam Anandpur Sahora Darbhanga jila sa. Hamar mool Bhat Sahij. गोत्र बहुत सही अच्छे और अपन मूल अगरवारे अच्छे। हम के आई टी सॉ बी टेक केने छी और अखन फ्लिपकार्ट में प्लानिंग हेड के रूप में काम कर रहल छी। धन्यवाद। मित्रों, इस देश की पहचान अगर बनी, इस देश की संस्कृति की चर्चा होगी, इतिहास की चर्चा होगी, तो बिना जगत जननी माता सीता के नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। और प्रभात जी ने बड़े जोरदार ढंग से पुनौरा धाम के विकास की चर्चा की है। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभात जी आप जानते भी होंगे, बिहार की एनडीए की सरकार ने माता सीता के जन्म के तिथि को, जानकी नवमी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का काम पूरा कर लिया। और मैं फिर से याद करना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी को, दिल्ली में हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे मांगेराम गर्ग, तो हमसे बार बार, मैं मंत्री था बिहार सरकार में, तो बार बार कहते थे कि भाई मेरे, हम लोग दिल्ली से चल के जाते हैं जिस रास्ते से राम जी गए थे सीता जी को बिहाने के, उस रास्ते से हम जाते हैं बराबर, सड़क पर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और इधर प्रभात जी कह रहे हैं कि सीता जी का मंदिर बनाओ, तो नरेंद्र भाई मोदी ने दोनों की बात सुन ली और हम लोगों ने तय किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने निर्णय लिया है कि अयोध्या से लेकर के जिस मार्ग से भगवान श्री राम सीता जनकपुर गए थे, उस पूरे रास्ते में एक बेहतर सड़क के निर्माण का काम किया जाएगा, सरकार ने निर्णय ले लिया। और जो पार्ट बिहार के अंदर बनना है, गोपालगंज से वो बिहार में प्रवेश करेगा और सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के बॉर्डर तक जाएगा, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, उस सड़क के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ हो गया है, अगले साल उसके निर्माण का काम हम प्रारंभ करेंगे। मित्रों, और उसको राम जानकी पथ नाम दिया, तो राम जानकी पथ बन जाएगा। और मैं खुद भी अगले महीने नवंबर, इसी महीने नवंबर महीने में सीतामढ़ी फिर से जाने वाला हूं और पुनौरा धाम के आसपास के क्षेत्र में कैसे और सड़कों का विकास हो सकता है उसकी भी व्यू रचना करने वाला हूं। पुनौरा धाम जेते और माइट के माथा पर ललाट पर लगे थे, कहा बुझियो संस्कार के बीजा रोपण पुनौरा धाम से प्रारंभ है। और ताई लेल चाहे छी आई हमर सब के सामर्थ्य और आई लेल कोई काज में हम लागल छी, सब के सहयोग चाहिए। आपकी भाषा समृद्ध है, आपकी संस्कृति समृद्ध है और लोग तो कहते हैं कि अगर पूरे मिथिला की चर्चा करिए आप, तो मिथिला केवल दरभंगा मधुबनी झंझारपुर नहीं है, सहरसा मधेपुरा सुपौल नहीं है, बल्कि गंगा नदी के उत्तर से चले जाइए और हिमालय के दक्षिण तक ये पूरा का पूरा मिथिलांचल। राम मंदिर के राम मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी है, उसको लेकर डिस्प्यूट है, लेकिन सीता जन्मभूमि को लेकर क्या डिस्प्यूट है?
हम माननीय सांसद जी को मैं कहना चाहूंगा, जो आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है सीता मंदिर, मैं जो समन्वय समिति कदम दर कदम धन आपके साथ कंधा मिला के सीता मंदिर बनाने के लिए पुनौरा धाम में हम लोग जाएंगे और सीता मंदिर बने उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। भगवान हमें मिथिला सुख शांति के घर हो, भगवान